अब तो आनंद सेन का परिवार एकदम देखा तो एकदम लुल्ल पराबा। नहीं देखो खाली अखिलेश अगर चाहत होते हम यादोवाद हाँ या कुछ है मेरे अंदर हाँ। तो वह आनंद सेन को ना देखते हाँ हाँ। आनंद सेन का कार दी तो भावे ना देते आनंद सेन चौल है कुछ मिटा दिन उनका उनका परिवार मिटा दिन अच्छा और का और मित्र सेन अगर होते भैया मित्र सेन दादा तो वहीं तुरंत लड़ जाते और देख ले तो इनका हरा देते और देश कराते हैं देश कराए हैं कहीं निर्दल खड़ा हो के। अच्छा अरे जब अटल जी के सरकार गिरी रही तो अटल जी मित्र सेन कहे रहे कि अगर एक वोट से हम जारी की सरकार गिर जाए तो हम दे जीत वोट बस ये मुलायम निकाल दीन और निकाल दीन बस करे बाद निर्दल खड़ा हो गए मित्र सेन और खड़ा हो गए और करे बाद हरा दीन सबका कांग्रेसो हारी भाजपा हारी सबका हरा के सापो हारा सब हारा अकेल जीता रहे 70,000 वोट से मित्र सेन जी तो हम खुआ तो सही ये तो आनंद सेन के देखा था ये कुछ रही ना गया एकदम अब मिटा दीन भाई नहीं अखिलेश अवधेश कहे अखिलेश अखिलेश मिटाए और का अखिलेश मिटाइन। अच्छा टिकटवा दे होते तो लड़ता बेचारा आनंद सेन कम दौड़े बेचारे लेकिन मैं खाली अब काव उनके खाली है भाई कि हम कहाँ से नहीं काव पाई बटवल ली भैया शुभ नाम और बाबू का हाल है बढ़िया भैया का नाम बाबू दिनेश सिंह सिंह साहब छोल है यहाँ योगी वाला पूरा अब तुम्हें कहें यह मतलब नहीं भाई हम सब मतलब सिद्धांतवादी आदमी हैं। अच्छा अच्छा हाँ भैया हम सब सिद्धांतवादी हैं और योगी हमार हिंदू तो जिंदा रखे हैं जानो वही जी हमार हिंदू तो जिंदा रखे हैं वही लिए हम सब जन्मजात और परिवार और जी मिले अच्छा अच्छा कौनो हमार भला नहीं करता है भला क्या करके हैं बैकवर्ड का है अच्छा हरजन का भला केहन देखा जाए सब भला हरजन के बाटे कि जे दूजी बिरसा खतौनी बा सब 6,000 पावत बाए खुशहाली के तरफ मैं बढ़ा है उनका बढ़ाई लेकिन हिंदू तो हमारे जिंदा रखे हैं हम सब योगी का हरदम दिहन और हरदम दिए जब तक जियब। नंदी बाबा झोंके हैं तोरे मिल की पर सड़वा कौन नंदी बाबा साण साण वे कैसे पाले हैं अच्छा हम ही तो छोड़ी थे ये समाजवादी वाले छोड़ थी अच्छा अच्छा ये रात के खरीद खरीद छोड़ थी हाँ, ये सब छोड़ा था हाँ, बहुत हाँ तो सुल्तान सब खत्म करा दिए जी 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 खत्म कर साइकिल जो रही सड़वे ना रहा बहुत तो बताओ तो रहे कि सब खत्म कर दिए भाई जी 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 यको खत्म करा दिए तो भैया ये बात वह न बाले हैं और ना वह मतलब छोड़ता है सपा ये साड़े खत्म हो गई हैं सब हैं सब साढ़ खत्म हो गई हाँ खत्म हो गया अरे साढ़ तो गाय गोरू कस के बही है उन्होंने साढ़ रहा था नहीं गाँव भैया है एक आध दो छोड़े साढ़ चाहे कि नहीं भैंसा भैंसा पहले रहा था एको भैंसा है जी 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 सब का अरे भैया कह जान था मैं बढ़िया खांसी जान रहा हूँ हाँ तुरंत बेच लिए थी नहीं पहले साढ़ भैंसा छूटत रहे हम सब अयोध्या जी से लावा रहे और का बड़ी छावनी से खाली गाय बाहर कहीं और का फरक था ही हाँ तो भैया ये नहीं बात है उनके कोनो नीत गड़बड़ नहीं ना वो हरदम सही रहे हम तो यह जानते थे कि जैसा बांग्लादेश में जोन हाल भाई हमारे हिंदू के अगर सतर्क ना हो जाए तो चारी वार ये हावी है बस एक जान लो भैया अच्छा भदरसा और रायपट्टी जून घटना भाई भदरसा में देखा तो हो भैया हाँ अपना योगी एक्शन ले होते तो उनका परिवार वही साफ कर देते कि और का परिवार साफ रहा लेकिन योगी ऐसा रहा कि वह संभाल दिन सुने रही रायपट्टी में 5-6 दिन बाद गए रात इमा के क्यों दिए न लिए हिंदू रात इमा गए कि क्यों दिए न लिए हम मैं सोचो इतना डरते हो तुम केवल वोट के लालच में अरे सारे कतरी जिंदगी बा तुहार धर नहीं पहले लेके चला जाए हो हाँ हाँ सर वो चले तरसा था और बाद में राजनीति बांधा था अरे ऐसी राजनीति करो जौन स्वच्छ रहा निष्पक्ष रहा योगी जी मठा देश में चाहे जौन हुए लेकिन निष्पक्ष तो हैं मैं बोला तो हैं साफ साफ हिंदू जियाए तो हैं मैं तो हैं बस सीधी सी बात है हाँ ठीक बाबा योगी जिंदाबाद 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 भैया का हाल बहुत निरंजन सिंह गोठवारा निरंजन सिंह गोठवारा जी हम आपके चैनल को पहले धन्यवाद देते हैं कि आप शहर से हटके गांव-गांव ये सर्वे हो रहा बहुत अच्छा लगता है हम अयोध्या दर्पण को शुरू से देख रहे हैं जब आपका पहली पोस्ट पड़ी थी तो कुल मिला के शशांक भाई हमारे रिश्तेदार हैं जिनका इंटरव्यू आपने तो आपसे हमें परिचय अपना बता दूँ रही बात राजनीति की तो राजनीति में आदमी
अपने हित को चाहता है, जब हित से समाज के हित को देखेगा तब फिर सही चुनाव कर सकता है। हम तो अपने यहाँ से भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो अगर कुछ भी तो कुछ कहा तो अलग हो, ये मने कहे कि भैया तो बूथ अध्यक्ष में पार्टी एक करी हैं, लेकिन बूथ अध्यक्ष ऐसे नहीं हैं। 289 बूथ संख्या के बूथ अध्यक्ष हुए नाते हमें जब से याद बाय 90 से लेके आज तक बूथ अध्यक्ष बूथ पर हमारे 70%+ वोट बीजेपी के रहा था और कोई घात लागत नहीं। बूथ संख्या 289 पर गुठवारा प्रथम पर। अब बाकी अब मैंने कहा था टिकट इनका दिए उनका दिए, देखो छगड़ी दिखा भाई छगड़ी दे हो गांव तो ना सब टिकट कहीं है उनका दियो इनका दियो, टिकट से मतलब नहीं भाई। टिकट तो 32 जने बाटी, तो 32 जने टिकट तो ना मिली, मिले एक जने का। अरे जरा उन्हों सबके पूछ ली हाल चाल भाई, केका जिताओ दिया चाची आज भाई, केका जिताओ दिया केका बताई भाई, अरे केका जिताओ दिया बताओ, अब सबका जिताई दान भैया सबका क्यों क्यों जितौती नहीं ये कहे, अरे भैया सबका जिताओ हार छगड़ी भागत भैया जल्दी बताई दिया। हां हाथी जिताओ जे और का हाथी जिताओ जाए, चला ठीक जिंदाबाद। अब हाथी हाथी तो हार हमेशा रहा था, हाथी हमेशा रहा था। आपकी कहना हथिया रही रही इतना साइकिलिया कैसे जीत गए हम कहते हैं जब पूरी पब्लिक दिए तो अक्कर मन दे मन जीते। अच्छा अरे हां भैया कहां, अरे इनसे इनसे पूरी बात हुई। देखिए ये पुराने लोग हैं और ये लोग रीढ़ हैं, मिल्कीपुर की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब तो आनंद सेन का परिवार एकदम देखा तो एकदम लुल्ल पराबा। नहीं देखो खाली अखिलेश अगर चाहते होते हम यादव वाद हाँ कुछ है मेरे अंदर तो वह आनंद सेन का ना देखते हैं आनंद सेन का कार्य तो भावे ना देते आनंद सेन चौल है कुछ मिटा दिन उनका उनका परिवार मिटा दिन। अच्छा और का और मित्र सेन अगर होते भैया मित्र सेन दादा तो वहीं तुरंत लड़ जाते और देख ले तो इनका हरा देते और देश कराते हैं देश कराए हैं कहीं निर्दल खड़ा हो के। अच्छा अरे जब अटल जी की सरकार गिरी रही तो अटल जी मित्र सेन कहे रहे कि अगर एक वोट से हम जारी की सरकार गिर जाए तो हम गए जीत वोट बस हम मुलायम निकाल दीन और निकाल दीन बस करे बाद निर्दल खड़ा हो गए मित्र सेन और खड़ा हो गए और करे बाद हरा दीन सबका कांग्रेस हारी भाजपा हारी सबका हरा के सापो हारा सब हारा अकेल जीता रहे 70,000 वोट से मित्र सेन जी तो हम खुआ तो सही ये तो आनंद सेन के देखा था ये कुछ रही ना गया एकदम अब मिटा दिन भाई नहीं अखिलेश अवधेश कहे अखिलेश मिटा अखिलेश मिटाए और का अखिलेश मिटाइन। अच्छा टिकटवा दे होते तो लड़ता बेचारा आनंद सेन कम दौड़े बेचारे लेकिन मैं खाली अब काव उनके खाली है भाई कि हम कहाँ से नहीं काव पाई बटोल ली। अच्छा अखिलेश के अंदर ही भावना भाई और कोनो बात नहीं अखिलेश तो यादव सब मरा जाता है टिकट यादव देते ना हाँ अब का करें खतरा महसूस करता है नहीं देखता है यादव को टिकट ही नहीं न दे दे दियो ये सब रिश्तेदारी जोड़े हैं रिश्तेदारी जोड़े हैं जोड़े रहा है जौन मन कहा तो कह रहा है भैया इनके कहूँ लात लागे कि नहीं भाई दुनिया जान के भाई निष्पक्ष बोलबो तो थोड़े साथे हन और निष्पक्ष ना बोलबो तो फिर कहाँ से रहबे साथे चाय जी हुए। देखिए यहाँ पर एक जी का नीति गड़बड़ नहीं रही कबो कुछ गड़बड़ नहीं रहा सब कुछ रहा लेकिन आज के परिवेश में देखो मायावती हम बुरा नहीं कहे लेकिन उन्हें पीरियड रहा है कि 12 बंकी से यूरिया खाद लावा हन 6 घंटा से ज्यादा बिजली क्यों नहीं दी। आज योगी सरकार में जो रात दिन बिजली देता हो ये खाली योगी सरकार के देना है क्यों देखे देखे क्यों भरुआ देवा देखे खाली योगी सरकार की देन है जो ये बिजली रातों दिन मिल रही है खाद हर दुकान पर गंजी है डाई लियो एनपीके लियो चाहे जौन चीज लियो कौनो सरकार दे हुए बताओ तो हम तो भैया यह जानी थे कैसे अच्छी सरकार ना आई और ना हुए हाँ ना केहू ला पाए चाहे जितना बड़ा नेता बन के उतर आवे अटल जी कभी रहे अब इनके लगे सुदर्शन चक्र और गदा दुगना हुआ है। हाँ ठीक है गांव का माहौल है मिल्कीपुर क्षेत्र का माहौल है मिला जुला है कुछ लोग भाजपा के है कुछ लोग देखिए एक बैनर वैनर लेके आया हाउ देखिए ये एक भाजपाई यहाँ पर मिल गए भैया अरे वाह वाह चंद्रभान पासवान टिकटवा वहीं क्लियर है ना भाई नहीं है तो क्या करें जो भी लेके आएगा लेकिन हमारा ये तो दिख रहा है। अच्छा अच्छा पीछे से मतलब बात हुए नहीं इससे मतलब है अच्छा ये चाहे जे बन जाए हाँ कोई भी है
अच्छा अच्छा भाई, जो टिकट ले आएगा हम उसके साथ हैं। क्या नाम आप बताएं? बेचू राम। यार दलित के ऊपर इतना अत्याचार हुआ देख रहे हैं आप। कोई बात नहीं है, हमें देखिए देखिए यहाँ पर अवधेश गए ही नहीं, यहाँ पर अभी रायपट्टी की घटना क्या असर डालेगी चुनाव पे? चुनाव पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा जो भी होगा, वो समय आने पे पता लगेगा। पर योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने परसों परसों रैली थी, ये बोर्ड वहीं का है मिल्कीपुर का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे हम बहुत गरीब हैं, हम हमेशा कमल पे ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, तीन लड़कियाँ हमारे शादी हो गए हैं, ठीक है, उनकी शादी करना जरूरी है, हम बहुत गरीब हैं, ठीक है। तो सुविधा तो मिलती बात बीजेपी से, बीजेपी से अब आज जो ऐलान हुआ है इसमें तो मिलेगा ही। पहले हमारे ना हमें कोई प्रधानमंत्री आवास मिला है, कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली हुई है, तब भाजपा का। हाँ फिर भी क्योंकि साप का साथ सबका विकास इन्होंने कहा है जी, वो तो दे रहे हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंचता है, ये बीच वाले जाने, बीच वाले खा जाते हैं। सीधी बात जी जी जी, ये गांव से गांव के लोगों की बात सुनिए, आपकी आँख खुल जाएगी कि शुरू पैसा तो चलता है, नीति तो सरकार की अच्छी होती, लेकिन जब ग्राउंड स्तर पर जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, फिर आपको मिलते हैं किसी और जगह। धन्यवाद आपको।